नई नई रेसिपी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं रोटी पिज़्ज़ा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आटा जो है 3 बड़े चम्मच जो है आटा ले लिया है। इसे हम गूँथ लेंगे। अगर आपको अभी आटा नहीं गूँथना है तो आप बची हुई रोटी का भी बना सकते हैं, और अगर आप तुरंत ही बनाते हैं अगर आटा गूँथ के तो वो और ज़्यादा हेल्दी होता है। ये जो रेसिपी है वो बहुत ही हेल्दी है, आप बच्चों को खिला सकते हैं, सुबह टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर बड़े भी इसे बहुत ही चाव से खाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर मेरा आटा जो है गूँथ के तैयार हो चुका। यहाँ पे मैंने दो है कि 2 प्याज लिया हुआ है, और प्याज को जो है गोल गोल काट के और उसके लच्छे बना लिए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से अगर आप बना लेते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप चाहें इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है गोल गोल काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने गोल काट के और इसके जो कलियाँ होती हैं उसे हर एक से निकाल दिया है, अलग अलग कर दिया है। साथ में यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे, इसे भी बहुत ही बारीकी से मैंने पतला पतला स्लाइड काट लिया है। साथ में यहाँ पे 2 खीरा लिया था मैंने, खीरे को भी जो है स्लाइड में गोल गोल काट लिया है। आप अपने अनुसार सब्जियाँ ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया था पत्ता गोभी, अगर आप चाहें तो पत्ते गोभी की जगह पर फूल गोभी को जो है ग्रेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी हेल्दी सब्जियाँ होती हैं सबका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए जो है हमने आटा जो गूँथ के रखा था इस आटे को जो है हम लोई बना लेते हैं और इसका जो है छोटा छोटा बॉल्स बना लेते हैं ताकि जो है हमारी रोटियाँ बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है रोटी बनाना स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर आपके पास बची हुई रोटी है तो उसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं और ज़्यादा देर तक इसे रखना चाहते हैं तो आप तुरंत ही रोटी जब बनाइए तो ही इस रेसिपी को बना लीजिए। ये जो है रेसिपी बहुत ही हेल्दी होने वाली है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए जो है हम रोटी को फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है रोटी को अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सेक लेना है, और इस तरीके से जो पीछे का हिस्सा होता है इस तरीके से जो है इस पर हम जो है टमाटो सॉस लगा देंगे। आप चाहें तो टमाटो सॉस की जगह पे टमाटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो है इसे अच्छी तरीके से हम फैलाते हुए लगा देंगे। आप चाहें तो नीचे के हिस्से में घी या फिर रिफाइंड तेल भी लगा सकते हैं, या फिर इसी तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने बहुत ही ईजी तरीका आपको बताया और कम टाइम में इसे आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको अच्छी तरीके से इस पर लगा देना है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। अगर हाई पे होगा तो नीचे का जो हिस्सा होता है वो जल जाएगा, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस तरीके से करते हुए हम एक एक जो है सैलेड को अच्छी तरीके से लगा देंगे गोल। अब जो है हम इसमें टमाटर को जो हमने अच्छी तरीके से स्लाइड काट के रखे थे इसके ऊपर से आपको लगा देना है। आप यहाँ पे आप चाहें तो अपने मनपसंद की सब्जियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कुकुम्बर या फिर चुकंदर, आप अपने मनपसंद की सब्जियाँ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टमाटर को भी अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब हम जो है इस पर खीरा लगा देते हैं जो कि हमने काट के रखा था, हमने खीरे को भी अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा दिया है। अब हमने जो काट के चॉप करके रखा था यहाँ पे पत्ता गोभी, इसे भी जो है इसके ऊपर से डाल के और इसकी गार्निश कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे धनिया की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन आप जितना हो सके हरी सब्जियाँ डालिए। इसे जो है हम ऊपर से अच्छी तरीके से डाल दिए हैं और इसे थोड़ी देर तक हम कुक होने देते हैं ताकि जो नीचे का हिस्सा है वो अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस डाला है, आप यहाँ पे अपने मनपसंद के सॉस डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने रेड टमाटो सॉस डाला है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप टमाटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, ऐसे भी इसे बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम यानी कि 1/2 टेबलस्पून के करीब मैंने नमक लिया है, नमक आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर लिया था जो चिली फ्लेक्स होता है, क्योंकि ये जो पिज़्ज़ा है इसमें अगर चिली फ्लेक्स डालते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है ऊपर से देखने में,
तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और इसे हल्का सा प्रेस करते हुए इसे हम छोड़ देंगे ताकि जो है नीचे से अच्छा तरीके से क्रिस्पी हो जाए। इसके बाद जो है ये देखिए 5 मिनट बाद इसे हम निकाल के देखेंगे। हल्का सा इस तरीके से आपको प्रेस करते हुए इसे जो है हमें निकाल लेना है। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ से इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे तरीके से हम इसे जो है एक बार में ही उठा लेंगे। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत ही इजीली ये निकल भी जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बनके तैयार हैं। इसे जो है चलिए हम जो है सर्व कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हम उठा के इसे प्लेट में डाल देंगे और बहुत ही बढ़िया से कुक हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसे ढक के भी पका सकते थे, लेकिन आप अगर चाहें तो इसे खुले में भी पका लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।